तो बच्चों हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे हमारी ये स्टेटमेंट पता चले कि ये ट्रू है। इसके टू क्वेश्चन हमने शॉर्ट क्वेश्चन हल कर लिए हैं और ये है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 और इसको हमने हल करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है लॉग 5 की पावर है एन इज इक्वल है 2। ये लॉगरिथम फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है और फिर हमने इसे हल करना है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हमारे पास बेस है वो सेम होती है वही रहती है लेकिन इसकी पावर जो है वो सामने की वैल्यू से चेंज हो जाती है। यहाँ पे सामने हमारे पास है 2 और पावर है एन जिसको हमने चेंज कर दिया है। इस तरह से लॉग को हमने खत्म कर दिया है। ये बन गई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और यहाँ पे अब हमारे पास वेरिएबल जो है वो इज इक्वल है और 5 की पावर है 2। इसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आएगा 25 इज इक्वल एन, मतलब एन इज इक्वल 25 हमारा आंसर है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 की जो स्टेटमेंट है वो पहले ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है लेकिन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से अब हमने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। इट्स लॉगरिथम फॉर्म इज यहाँ पे आएगा लॉग 10 की पावर पी इज इक्वल लॉग 14। अब यहाँ पे जब हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखा है तो इसमें लॉज के मुताबिक जो हमारे पास पावर होती है लॉगरिथम फॉर्म में हम पावर को नहीं लिखते। होता यूँ है कि जब हम इसे हल करते हैं तो हम जो भी हमारे पास पावर में हो वेरिएबल हो डिजिट हो उसको हम लॉग के साथ शुरू में लिखते हैं। हम यहाँ पे पी को यहाँ से खत्म करेंगे और इसे शुरू में लिखेंगे पी लॉग 10 इज इक्वल लॉग 14। अब यहाँ पे जैसा कि हमें पता है कि लॉगरिथम को फाइंड करने के लिए हम करेक्टरिस्टिक लिखते हैं, इसके बाद मेंटिसा लिखते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं और लॉगरिथम को हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे अब टेबल में जो लॉगरिथम के टेबल में जो स्टेटमेंट से शुरू हो रही हैं जो भी वैल्यूज दी हुई हैं वो हमारे पास काउंटिंग है। काउंटिंग को हम वहाँ से चेक करते हैं टेबल्स में से। तो यहाँ पे 10 है हमारे पास और काउंटिंग 10 से अगर शुरू हो रही है तो उसकी कीमत है वहाँ पे टेबल में 0। लॉग 10 की जो कीमत है वो 0 0 0 इस फॉर्म में मिलेगी। उसके बाद लॉग 40 है हमारे पास, इसको हम हल करेंगे पी इज इक्वल यहाँ पे लॉग 40 है और उसके लिए हमें पता है कि हमने इसे हल करना है और लॉग 40 को लेते हुए इसमें कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 1 क्योंकि 2 ही डिजिट हैं और यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट की असल जगह है वो 4 के बाद है और हम स्किप करेंगे राइट साइड से लेफ्ट की तरफ और हमारे पास है डिजिट 1 वो है 0 और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से जो डिजिट बनता है वो है 1 और इसके बाद मेंटिसा को हम लॉगरिथम टेबल में चेक करेंगे और 40 को हम शुरू में 0 के टेबल में ही चेक करेंगे क्योंकि 40 के बाद हमारे पास जो थर्ड डिजिट है वो कोई नहीं है। इसलिए 40 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास मेंटिसा होगी और
यहाँ पे हमारे पास p की इस तरह से वैल्यू p इज इक्वल करैक्टरिस्टिक लगाएंगे 1.6021 और ये होगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, शॉर्ट क्वेश्चन 4 का फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हल हो गए हैं। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।